वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आज हम लोग महात्मा गांधी का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, गांधी ने एरा इन इंडियन पॉलिटिक्स 1915 से 1932 तक। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1930 से 1948 तक के बारे में, ठीक है। और दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन जो इसमें बच जाएगा वो मैं आप क्या करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं एसएससी सीजीएल से निकाल निकाल के जब आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें जो भी बचा रहेगा मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज पार्ट 3 पढ़ते हैं, गांधीयन एरा इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसका पार्ट 2 है ये। ओके, तो फर्स्ट, गांधी जी कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल एज हरिजन द सन ऑफ गॉड। तो गांधी जी ने कहा था हरिजन को द सन ऑफ गॉड, जो भी जो लोअर कास्ट पीपल है हरिजन, जिनमें हरिजन कहा जाता है, जैसे वो पासवान या ऐसे करके वो लोग जो है वो हरिजन है, तो उनको इन्होंने क्या कहा था, द सन ऑफ गॉड हरिजन। ओके, नेक्स्ट, स्टार्टेड वीकली न्यूज़पेपर कॉल्ड हरिजन इन 1933। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो वीकली न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला था गांधी जी ने, यंग इंडियन और नवजीवन, ठीक है। ये तीसरा वीकली न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला 1933 में हरिजन। ओके, तो ये याद रखिएगा, टोटल उन्होंने 3 निकाला, ठीक है, दो पहले निकाल दिया और ये हरिजन 1933 में निकाला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर, किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। तो याद रखिए, क्वेश्चन आया वैसे सीजीएल में, हाफ नेकेड फकीर किसने कहा है, तो वो विंस्टन चर्चिल ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट, जो टाइगर, रविन्द्रनाथ टाइगर को जो गुरुदेव का जो टाइटल दिया गया था वो गांधी जी की तरफ से दिया गया था, गांधी जी ने ये टाइटल दिया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टाइगर को। ओके, एंड देखिए, नेम गुरुदेव गिवन टू टाइगर वाज गांधी जी। नेक्स्ट है आपका, टाइगर कॉल्ड गांधी जी महात्मा, देखिए महात्मा जो गांधी जी है, महात्मा जो टाइटल देने वाले थे वो थे टाइगर, रविन्द्रनाथ टाइगर। याद रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल में। ओके, ये आपको मैं दिखा दूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ईयर वाइज, तो आपको ये दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट, इन 1942 अगस्त गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक ना, तो ये कब किए थे, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसको उन्होंने क्या कहा था, एंड गेव द कॉल डू और डाई, ठीक ना, ये याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में बोला था, किया था 1942 में, ठीक ना, 9 अगस्त को, और इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसी में इन्होंने कहा था डू और डाई। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट, गांधी जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था खुद से, ठीक ना, वो गुजराती लैंग्वेज में लिखा था, वो था साथिया ना करोगो, ठीक, देख लीजिए, थोड़ा सा गुजराती में लिखा था, इसे थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रहा है, साथिया ना करोगो, ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक ना, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट, जिसको तो आप श्योर शॉर्ट याद रखिएगा, मतलब 110%। ओके, वो है कि उनके गुरु के बारे में, एक थे उनके पॉलिटिकल गुरु, एक थे उनके स्पिरिचुअल गुरु। स्पिरिचुअल गुरु थे विनोबा भावे, और पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी गेव द टाइटल सरदार, गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार टाइटल दिया गया था वो दिया गया था महात्मा गांधी जी के तरफ से, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कौन कौन एकदम मस्त याद रखना, ये साथ ही ना करो, इसमें सब ही इंपॉर्टेंट, जबकि ये सब आया हुआ है। ओके, ये सब आया हुआ है, ठीक है, ये दोनों भी आया हुआ है, इसमें देखिए सब इंपॉर्टेंट है, एक तरह से सब आपको याद रखना, बट ये आपको पूरा अच्छे से याद रखना होगा। ओके, तो होप आपको पसंद आएगा दोस्तों, तो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।